हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज हम देखेंगे कि हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने लूप का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है, हमने यूज़र से इनपुट लेने का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है, हमने ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे कि एरे को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट चलते हैं हम प्रोग्राम की ओर और प्रोग्राम से ही चीज़ों को पूरा समझेंगे। तो अगर आप पुराने वीडियोस देखे हैं तो ये सारी चीज़ें जो इनिशियल हम इस्तेमाल करेंगे वो आपको सारी आइडियाज़ होंगे, और अगर आप नहीं देखे हैं तो सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोस को कवर कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इंक्लूड किया किसे, emu8086.inc को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मॉडल स्मॉल, देन स्टैक, स्टैक का मेमोरी कितना लेंगे हम, वो लेंगे 100H। उसके बाद हम डेटा सेक्शन, देन कोड सेक्शन, कोड में हम फंक्शन बनाएंगे, मेन प्रोसीड्योर, उसके बाद हम मेन को बंद करेंगे, मेन एंड पी, उसके बाद हम फिर यहाँ पे एंड मेन बंद करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वॉट एवर द कोड द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। तो बिल्कुल ये ऐसे ही रखना है। अब अभी तक जो भी प्रोग्राम्स मैंने किए थे उसमें हमने वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया था अभी तक, हम सिर्फ जो भी काम कर रहे थे रजिस्टर से कर रहे थे, मीन्स इस सेक्शन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, इस सेक्शन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। अब इस बार जो हम प्रोग्राम करेंगे उस प्रोग्राम में, मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है उसमें इस सेक्शन का इस्तेमाल होगा। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या वेरिएबल बनाएंगे, हम एक एरे वेरिएबल बनाएंगे। सो आई एम टेकिंग द नेम एज एरे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको एरे ही नाम लेना है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। उसके बाद हम उसका साइज़ मेंशन करेंगे, यहाँ पे ना टाइप ने यहाँ पे साइज़ मेंशन करना है आपको, डीबी मीन्स यहाँ पे ये कितना हुआ, ये 8 बिट का साइज़ हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए डीबी मीन्स 8 बिट का साइज़ हुआ ये। उसके बाद आपको वैल्यूज़ रखने, क्या क्या वैल्यू रखने हैं इसमें भाई, चलिए हम सारे वैल्यूज़ रख देते हैं। ये मेरे एरे के वैल्यूज़ हो गए 3, 5, 6, 7, 9, 8। अब मुझे करना क्या है, इस एरे के वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। मैंने एक एरे क्रिएट किया डेटा सेक्शन में, उसका साइज़ डीबी दिया जो कि 8 बिट का है, उसके बाद इसके कुछ वैल्यूज़ रख दिए जो मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइज़ कर लिया, वी आर नॉट टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र हेयर। अब एक इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा एक खास इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस प्रोग्राम को अभी तक के जितने प्रोग्राम्स हैं उन सारे से अलग करता है, जो हमें शुरू में ही 2 लाइन ऐड करना पड़ेगा, वो लाइंस क्या हैं वो देखिए, मूव ax एट द रेट ऑफ डेटा, देन मूव ds ax। अब ये 2 लाइन हमने क्यों लिखा, आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगी पिछले जितने भी प्रोग्राम्स थे उसमें ये 2 लाइन हमने नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि डेटा सेक्शन में कोई वेरिएबल था ही नहीं। इस बार क्या है कि हमने डेटा सेक्शन में एक वेरिएबल बनाया है, तो उस वेरिएबल का, इस सेक्शन का एड्रेस अपने को क्या करना है, इस डेटा सेगमेंट में पुटअप करना है। इसलिए हमने सबसे पहले उसे कहाँ रखा, ax में रखा, और फिर ax से हम कहाँ रख दिए, उसे डेटा सेगमेंट में रख दिया, और हम डायरेक्ट डेटा सेगमेंट में नहीं रख सकते, इसीलिए हमने पहले उसे ax रजिस्टर में रखा और ax रजिस्टर से मूव किया कहाँ पे, ds में। तो ये बात तो तय है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल सेक्शंस, डेटा सेक्शंस में कोई वेरिएबल अगर बनाते हो और उस वेरिएबल को अगर आपको इस सेक्शन में, कोड सेक्शन में यूज़ करना है, एक्सेस करना है, देन यू हैव टू यूज़ दीज 2 लाइन, अदरवाइज हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते कोड सेक्शन में रह के। ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपको रटने की जरूरत ना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस 2 लाइन का इस्तेमाल हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एरे की जगह कोई और वेरिएबल भी बनाओ तब भी आपको ये 2 लाइन देना है, अगर आपका डेटा सेक्शन खाली रहता है देन यू डोंट नीड टू पुट दिस 2 लाइन एट द टॉप ऑफ योर मेन प्रोग्राम कोड। डन, चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हर एक रजिस्टर का अपना एक स्पेसिफिक काम है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि सी एक्स रजिस्टर का मैंने स्पेसिफिक काम बताया था कि वो काउंटर की तरह काम करता है, लूप का काउंटर को मेंटेन करता है, लूप के कंडीशंस को मेंटेन करता है। उसी तरह यहाँ पे एक खास रजिस्टर है विच इज़ एसआई, जिसका काम क्या है भाई, ये एरे के इंडेक्स को मेंटेन करता है। देखिए ये लाइन में मैं क्या लिखा, मूव एसआई ऑफसेट एरे। अब ये क्या करेगा, इस एरे का जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसका एड्रेस को कहाँ रख देगा भाई, एसए में रख देगा, एसआई रजिस्टर में रख देगा फर्स्ट वाले को। ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट वाला जो बिट का एड्रेस है, फर्स्ट वाले सेक्शन का, फर्स्ट वाले इंडेक्स का जो एड्रेस है उसे कहाँ रख दिया जाएगा, एसआई में रख देगा, यही इसका काम है। ठीक है ना, ऑफसेट। उसके बाद भाई वैल्यूज़ कितने हैं इसमें, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, तो मतलब लूप को हमको टोटल 6 टाइम्स घुमाने होंगे, तो सी एक्स में मैंने रख दिया 6, ताकि लूप कितने टाइम्स घूमे, 6 टाइम घूमे। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा,
मैं एक लूप एक सेक्शन लेता हूँ, लूप एक्स उसका नाम रखता हूँ, इसे मैं रिपीट करूँगा बार बार। अब मुझे क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली जिसे भी प्रिंट करना है उसे आपको कहाँ रखना है, डीएल रजिस्टर में रखना है। अब आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे भाई, आप एक्सेस करोगे ऐसे, उसी एसआई में जस्ट आप ये ब्रैकेट लगा दोगे, देन इट विल एक्सेस द वैल्यू, और सिर्फ अगर ये चीज़ मैं हटा दूँ तो इट बिहेव्स लाइक अ इंडेक्स, और ये ब्रैकेट मैं लगा दूँ तो इट बिहेव्स लाइक अ वैल्यू। अगर आपको याद होगा तो सी में हम लोग कुछ इंडेक्स आई से इस्तेमाल करते थे, और जब वैल्यू चाहिए होता था तो एरे आई इस्तेमाल करते थे। तो एरे आई हमें क्या देता था, वैल्यू देता था, और आई हमें इंडेक्स दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे असेंबली अगर हम सिर्फ ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे तो हमें इंडेक्स वैल्यू देगा, और जब हम उसी इंडेक्स में ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो हमें उसी इंडेक्स का रिस्पेक्टिव वैल्यू देगा। होप ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अभी इस डीएल के वैल्यू को प्रिंट करना, तो ऑब्वियसली वो एक इंटीजर एक नंबर है, तो उसे क्या करना होगा, मुझे 48 ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं स्पेसिफिक जो मुझे प्रिंट करना है मैं उसका एस की वैल्यू बना पाऊँ। तो मूव फिर अपने क्या करते हैं, डीएल में ऐड कर देते हैं कितना 48, क्योंकि अब देखिए आप 3 अगर मैं यहाँ से जब पास करूँगा प्रिंट होने के लिए ना तो वो 3 को क्या करेगा, ऐसे एस की वैल्यू लेगा और इसका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो ऑब्वियसली आउटपुट में 3 प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, 3 प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 51 पास करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए इसलिए मैंने क्या किया, 48 ऐड कर दिया। तो अब सारे नंबर्स में क्या करोगे, 48 ऐड कर दोगे, तो होगा क्या, आप देखोगे उसका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स आपको वहाँ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। करने के बाद प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, AH में 02 पास करना है, 02H और फॉलोड बाई N21H। इसे पूरे को प्रिंट करने से पहले मैं चाहता हूँ आउटपुट कुछ ऐसा दिखाए, योर एरे वैल्यूज़, उसके बाद सारे एरे वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिखा दे। चलिए हमने प्रिंट कर दिया ऐड करके, उसके बाद उसे प्रिंट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ हर एक वैल्यूज़ प्रिंट होने के बाद कुछ स्पेस भी प्रिंट हो, मतलब दो नंबर्स के बीच एक स्पेस प्रिंट हो। फिर जैसे पहले 3 प्रिंट हुआ स्पेस, फिर 5, फिर स्पेस, तो स्पेस प्रिंट करने के लिए मुझे उसे प्रिंट करना पड़ेगा और स्पेस का एस्की वैल्यू देखना पड़ेगा। तो स्पेस का एस्की वैल्यू क्या है, होप आपको आइडिया होगा, याद होगा स्पेस का एस्की वैल्यू होता है 32। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसे जस्ट प्रिंट कर देंगे फॉलोड बाई 02 21H, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये भी याद होगा कि हम सी में, अगर आपको याद होगा तो सी में हम आई को प्लस प्लस करते थे, है ना, आई प्लस प्लस करते थे। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपका इंडेक्स एसआई है तो आपको आईएनसी एसआई लिखना पड़ेगा, तो ये आईएनसी एसआई क्या करेगा, एसआई को प्लस प्लस कर देगा। तो इंक्रीमेंट कर दिया हमने एसआई को, उसके बाद लूप जैसे आपको मेंटेन करना है, लूप लूप एक्स हो गया, बस बात हो गई ख़त्म। उसके बाद हम इसे बाहर लेके आएंगे, देन मूव AH 04CH फॉलोड बाई N21H, ठीक है ना। चलिए इसे हम प्रिंट करके आप रन करके देखते हैं। ये वाला एक फॉर्मल कोड है, आप नहीं भी दोगे तब भी प्रोग्राम रन करेगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। वो क्या करता है, एग्जिट करता है। चलिए देखिए, योर एरे वैल्यूज 356791 प्रिंट हुआ ना, और देखिए बीच में स्पेस प्रिंट हुआ। अगर मैं ये लाइन नहीं देता ना तो देखिए क्या प्रिंट होता। इसे मैं छोड़ दिया, वापस से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या सारे वैल्यूज एकदम बिल्कुल क्लोज प्रिंट हो गए। इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्पेस मेंटेन कर दिया था, और स्पेस का ASCII वैल्यू कितना होता है, 32। ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस इज 32, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ASCII के जो कोड लिस्ट है आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, 32। देखिए स्पेस लिखा हुआ ना, आप यहाँ से देखिए, क्योंकि ASCII वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। इसलिए ASCII टेबल आपको बिल्कुल सामने में मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आप देख के अपना ASCII मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो भाई ASCII को मैंने प्रिंट किया, उसके बाद DL में रख दिया, उसे प्रिंट कर दिया, उसके बाद INC इंक्रीमेंट किया इंडेक्स को, तो जब नया इंडेक्स आया तो उस नए इंडेक्स का वैल्यू को फिर मैंने DL पे रख लिया, ऐड 48 करके उसे प्रिंट कर दिया, स्पेस प्रिंट किया, SI को इंक्रीमेंट किया, फिर उस नए इंक्रीमेंटेड SI का जो वैल्यूज़ है उसे इसे एक्सेस करके DL में रखा और प्रिंट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी इंप्लीमेंट एरे इन असेंबली लैंग्वेज। अब अगर ये आइडिया हो गया आपको तो आप एरे को रिवर्स भी प्रिंट कर सकते हो। कंपेयर अभी हम आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे कि हम दो एरे के वैल्यूज़ को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज उस लिए हमें इफ एल्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो आने वाले वीडियोस में मैं वो सारे टॉपिक्स भी दिखाऊंगा। सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।